नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जो मेरे खास मेहमान हैं वो हैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर हिमांशु मलिक। आइए उनसे मिलते हैं और उनके करियर के सफ़र के बारे में जानते हैं। और ये मुलाकात हम आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक फ़िल्म आने वाली है। इस फिल्म को उन्होंने खुद निर्देशित किया है। तो चलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस समय ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और उन्होंने पकड़ा हुआ है कैमरा, वो हैंडल कर रहे हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ कैमरा। हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो गया। मिलना था हमेशा, मैं सोचता था तुम बिन जब मैं देखता था तभी से मुझे तीनों लोग बहुत पसंद थे। मतलब एक तो आप लोग जब आए थे बहुत अच्छे से तुम बिन में आप लोगों को प्रेजेंट किया था। यस, तुम बिन तो मेरे लाइफ का एक माइलस्टोन है और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अनुभव सिन्हा, टू टी सीरीज फॉर लेटिंग मी बी अ पार्ट ऑफ तुम बिन। ओके, एक तो जब हम किसी एक्टर से मिलते हैं तो ये हमारे बॉलीवुड का ऐसा है कि हमेशा बड़ा टिप टॉप। हम जब पहली फिल्म दूसरी फिल्म देखते हैं तो हमेशा सोचते हैं एक्टर वैसा ही दिखेगा। आपने अपने आप को कितना फिट रखा, कैसे? खासतौर से जब एक हीरो होता है तो उसका एक अपीयरेंस होता है, अगर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, मतलब एक्चुअली मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ वहाँ पर मेरे पिताजी कभी अपीयरेंस पे के लिए कमेंट करना या किसी बात पे ऐसे कि कोई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो हमेशा हमको रोकते थे, टोकते थे कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझमें अपने अपीयरेंस की तरफ ध्यान देना वो कभी आदत बनी ही नहीं। तो कभी कभार मुश्किल से आज स्पेशली आपको मिलने आ रहा था तो जरा आयन शर्ट पहन ली, नहीं तो शायद कभी वो भी आपको आपको शायद आपको उसकी भी वो भी ना देखने को मिलती। और तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ अपना, गलत बात है, बट हाँ फिटनेस रखना चाहता हूँ ताकि आदमी फुर्तीला रहे। इसमें वो क्या बोलते हैं, ठस्सापन ना है जो बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। सो आई लाइक टू बी फिट एंड एक्टिव एंड एज प्रेजेंटेबल एज आई कैन। ओके, शुरुआत करते हैं आपकी फिल्म से। आपकी फिल्म का नाम, उसका जो आपके शब्दों में फिल्म। तो मेरी फिल्म का नाम है चित्रकूट। चित्रकूट असल में तो जगह का नाम है जहाँ पर राम सीता ने वनवास के बाद कुछ समय बिताया था। इसको मैंने सिम्बॉलिकली, मेटाफोरिकली यूज़ किया है फिल्म में कि ये वो जगह है जहाँ पर एक सुनहरा प्यार का मौका यार समा आप कह सकते हैं जो आप बिताते हैं। एंड वो समा जितना आप चाहें, वो पल जितना आप पकड़ना चाहें आप पकड़ नहीं सकते हैं, वो बह जाएगा। सो उसको एक सिंबॉलिक वे करके मैंने एक मॉडर्न स्टोरी बनाई है और मॉडर्न कैरेक्टर्स के ऊपर है। और कैसे किया था कलाकारों का चयन? मैं खुद एक्टर रह चुका हूँ तो थोड़ा एक्टर्स की साइकोलॉजी समझता हूँ, उनकी मुश्किलें समझता हूँ। तो मैंने एक्टर्स का चयन एक्चुअली ना कोई ऑडिशन किया ना कुछ किया, मैंने सिर्फ उनसे मिला, उनके साथ कॉफ़ी चाय पी, एक बार बातचीत करी और ये महसूस किया कि मेरे कैरेक्टर के लिए ठीक है कि नहीं। ओके, तो कौन कौन से कलाकार हैं यदि आप बताना चाहें उनके बारे में? औरित्रा घोष, विभोर मयंक, किरण श्रीनिवास, नैना त्रिवेदी और श्रुति बापना, और ये सब बहुत ही मजे हुए एक्टर्स हैं, बहुत काम किया इन लोगों ने। ठीक है, शायद कोई बहुत ज़्यादा पर्दे पे ना आए हों, मगर कलाकार कलाकार होता है, छोटा बड़ा, और मैं वही चाहता था कि सब कलाकार अच्छे हों, दिल वाले हों और अपना दिल देने को तैयार हों। शूटिंग की तो आपकी कार लॉक है ना? हाँ। शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा, चूंकि आपकी फिल्म का ये प्रमोशनल इंटरव्यू भी है जी, हाँ, तो फिल्म से जुड़ी ज़्यादा कहानी मैं सोचता हूँ उस पर बात करने से उसका रिवील हो जाता है जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन जी, हाँ। आप इसको और दिलचस्प तरीके से बता सकते हैं कि शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा जो आपको याद रहेगा? और ये आपकी पहली फिल्म भी है एज ए डायरेक्टर? यस, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बातें हुई जो जिसने मुझे रिवील किया कि मेरी फिल्म क्या है। जैसे बतौर एक एग्जांपल दूंगा कि
जब मैं कास्टिंग कर रहा था तो जो मेन लड़की है सलोनी, वो एक डांसर का कैरेक्टर है उसका। अब मैं जिससे पूछूं, जिस लड़की से पूछूं, वो बोलती है मैं डांसिंग जानती हूं, और हमें ये नहीं मालूम कि डांस के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज था, और किस्मत से हमको सलोनी मिली और रुत्रा घोष, जो ना ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस और बहुत खूबसूरत, यू नो शी इज़ अ ऑसम लुकिंग वुमन, बट शी ऑल्सो इज़ अ वेरी कॉन्जुमेट डांसर। शी इज़ बीन ट्रेनिंग सिंस द एज ऑफ 16 टू बी अ कंटेम्प्रेरी डांसर। और वही मुझे टेक्सचर चाहिए था और वही मुझे फील चाहिए था। और मेरे ख्याल में यू नो ऐसे किस्मत होती है कि आपको सब कुछ एक ही एक्टर में मिल जाए। आप शुरू से ही डायरेक्शन में आपको रुचि थी कि पहले, मतलब क्योंकि आपको हमने पहले एक्टर एज एन एक्टर देखा, डायरेक्टर कैसे बने आप? मैं चाहता, मैं मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है उसका, कि वो कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ नया करता रहे, कुछ उसकी ग्रोथ होती रहे। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ नया सीखता गया, समझता गया, लिखता गया, पढ़ता गया, और एक दिन ऐसी लालसा जागी कि मैं भी कुछ बनाऊँ, मैं भी कुछ कहूँ। एंड आई थिंक वही हुआ कि आई जस्ट फेल्ट लाइक मेकिंग अ फिल्म वेरी नेचुरली, ऑर्गेनिकली। मैं एक्चुअली वैसा किस्म का आदमी हूँ जिसका कोई लाइफ में कोई मकसद है ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, वो मुझे कभी ऐसा इल्म था ही नहीं। सो आई थिंक इट वॉज वेरी नेचुरल जेंटल प्रोग्रेशन। सर पहली फिल्म के सफर से शुरू करते हैं, मीरा नायर से कैसे मिले थे? मतलब आपको कहाँ से मिली वो पहली फिल्म और कामा सूत्रा? करियर शुरू करना था, इतना नौजवान, 6'6" की हाइट, सुंदर लड़का, सब कुछ अच्छा, और कामा सूत्रा? नहीं, एक्चुअली मुझको कामा सूत्रा में मैं बतौर असिस्टेंट भी काम किया मैंने। अच्छा। मेरा जी के सो मुझे उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स देखी और मुझे बॉम्बे से दिल्ली बुलाया, फ्लाइट की टिकट दी, सब कुछ, होटल में ठहराया, और सिर्फ एक मीटिंग के लिए। बॉम्बे से कहाँ बुलाया? बॉम्बे से दिल्ली बुलाया। Okay. मेरा जी दिल्ली में थी। हाँ। और वो जैसे मैं उनको मिलने के लिए कमरे में घुसा तो बोली, अरे बाप रे, आप बहुत जवान हैं इस रोल के लिए, यू आर टू यंग, यू आर सच अ हैंडसम ब्यूटिफुल बॉय, यू नो, एंड आई एम सो सॉरी आपका समय हमने ख़राब किया, बट यू नो यू सो ऑसम टू हैव यू, यू नो, बट यू आर टू यंग। हाँ। तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरा जी, आपसे मुझे मिलने का मौका मिला, इससे बड़ी चीज़ कोई और हो नहीं सकती है। मैं चाहूँगा मैं आपके साथ काम करूँ, प्लीज़ मुझे आप मौका दीजिए। आप तो बोलिए, अरे आपको मैंने कास्टिंग के लिए बुलाया और आप असिस्टेंट के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा, जी आपके साथ कुछ भी करने को मेरे को ऐसा मौका मिले कर लो आप तो। सो आई सेड यस, आप मुझे बस आई वुड लव टू वर्क विद यू, देखूँ कि कैसे बनती है हॉलीवुड फिल्म, क्या होता है, एंड बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक रोल भी उन्होंने करवाया मुझसे, फिर तो एज अ फैमिली हो गए थे हम लोग। क्या पहन कर गए थे आप, मतलब याद है आपको? क्योंकि आपको वीरा नायर के सामने जाना था। हाँ, आई थिंक तब भी मैंने धुले हुए कपड़े पहने थे। कोई खास तैयारी की थी कि मैं कोट पहनूं, मैं शर्ट पहनूं? नहीं, मैं नॉर्मल जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली तब अब तो फिर भी सोचता हूँ अपने उसके बारे में कि मेरा रहन सहन कैसा है। उस समय तो बहुत एटीट्यूड था, सिर्फ एक मेरा एटीट्यूड ही था मेरे पास। उसमें कभी मैंने सोचता नहीं था क्या कपड़े हैं, सिर्फ एक पतलून पहन ली, टी शर्ट पहन ली, बहुत हो गया। क्या बात है। और कोई खास बात आपको याद हो, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपकी तारीफ की, और क्या बात हुई थी अगर आप शेयर करना चाहें? कौन सा कमरा था, क्या वो होटल में रुकी थी, कहाँ पे? नहीं, उनका ऑफिस था वसंत विहार में, और उन्होंने कहा कि देखो, असिस्टेंट बनना है तुमको, बहुत अलग काम है, मेहनत का काम है, तुम करना चाहोगे, और अगर करना चाहोगे तो तुमको मैं ये नौकरी नहीं दे सकती हूँ, तुमको दूसरे जो को प्रोड्यूसर्स हैं, जूनियर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। का तो उस समय मेरे बॉस थे अपूर्व लाखिया, जो आज के दिन में बहुत बड़े बॉलीवुड की फिल्म मेकर हैं, और मेरे एसोसिएट थे उस समय जोया अख्तर, और कौन थे उस समय मेरी फिल्म में साथ, बहुत सारे लोग थे जो आज बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। सो इट वॉज क्वाइट इनक्रेडिबल। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटा सा रोल था,
फिर रामू के पास चले गए आप? जी हाँ, तो बस फिर तो बस बहता गया मैं, जो जहाँ बुला लिया जैसे हो गया। वहाँ पर भी एक छोटे से रोल? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो रोल बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम करते रहे आदमी, काम चलता रहे आगे, फिर तो बाकी किस्मत अपने आगे आपको ले जाए रही जाएगी। फिर तुम बिन की अगर कास्टिंग आपको याद हो, तीन लड़के, तीनों लड़कों ने एकदम आते ही धमाल मचा दिया था, मतलब सबको पसंद आया, फिल्म सुपर हिट थी ना उस समय। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कास्टिंग याद है, कैसे आपको अनुभव ने खोजा था, कितने लोगों में आपको तराशा था? हम एक म्यूजिक वीडियो कर रहे थे, तो म्यूजिक वीडियो करते वक्त फिर उनको लगा कि शायद मैं ये रोल को सूट करूंगा, तो फिर वो जो म्यूजिक वीडियो के ईपी थे उन्होंने बोला कि हम तक ऑडिशन रख रहे हैं, सिर्फ गिने चुने लड़कों को बुला रहे हैं, हम चाहेंगे तुम ज़रूर आओ, और ये स्क्रिप्ट है, ये सीन है, आके करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वो पहला ऑडिशन मेरा बहुत ख़राब गया, बहुत ख़राब गया, और इतना ख़राब गया कि मैंने शाम को फ्रस्ट्रेशन में आके अनुभव सर को फ़ोन कर दिया कि सर मेरा ऑडिशन बहुत ख़राब गया है, मेरे को लगता मैं इससे बेटर एक्टर हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, देखो हो तो गया है, मैं क्या बोलूँ, टीम को मैं कैसे कन्विंस करूँगा कि ठीक है मैं सोचता हूँ ऐसा करके। फिर दो दिन बाद मैंने उनको फिर से फ़ोन किया और कन्विंस किया कि प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, और वो ऑडिशन बहुत अच्छा गया और उसी बतौर मुझे वो रोल मिला। आपकी संदली से बातचीत होती है, मुलाकात, मतलब अभी? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी वो, हैप्पीली मैरिड विद टू चिल्ड्रन एंड शी इज़ अ लवली फ्रेंड। ओके, इसके बाद और बड़ी फिल्में की, लूसी, कारगिल की आपने, ख्वाहिश की, रक्त, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ आपके करियर को लेकर, हो या हिमांशु, अपने प्रियांशु हो या फिर राकेश बापट हो, मैं देखता हूँ जितनी खूबसूरती, हाइट, चेहरा, प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज, सब कुछ जो चाहिए था इंडस्ट्री को वो आप तीनों में था, और वो जो पहली फिल्म का स्टारडम चाहिए वो भी मिला, उसके बावजूद आप तीनों का जो करियर है एक एक्टर के तौर पर, बहुत मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों को बहुत प्यार करने लगते हैं ना, उनके लिए बहुत चाहते हैं, और आप लोगों को अपनी जर्नी लगती है कि शायद मुझे इतना मिला बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक दर्शक के तौर पर हम संतुष्ट नहीं होते, फिर हम सवाल करते हैं कि ऐसा क्या, कहाँ पे चूक हो रही थी, बॉलीवुड क्या चाहता था, मतलब सब कुछ तो था आप लोगों के पास। आई थिंक हम लोग बहुत नए थे बॉलीवुड में, तब बॉलीवुड एक्चुअली बहुत छोटा भी था, आज तो बहुत बड़ा है, अगर तुम्बिन जैसी हिट आज की डेट में मिलती तो बहुत काम होता सबके पास, बट तब इंडस्ट्री बहुत ही छोटी फेज में थी, तब तो डिजिटल कुछ नहीं आया था, साल में बहुत कम फिल्में बनती थी, और वो साल पहले 2002-3-4 में इंडस्ट्री बहुत स्लो थी, तो ऊपर से हम बाहर के थे, हम नए थे, हमको समझ नहीं थी, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर सक्सेस इज़ मोर फ्राइटनिंग देन फेलियर, मतलब इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिल जाए तो आप बहुत आसानी से खो सकते हैं, तो मुझे लगता है हम में से कुछ खो गए होंगे, मैं तो ज़रूर खो गया था, भटक गया था, बट क्या सफलता आपके सर चढ़ गई थी ऐसे कहते हैं, ऐसा हुआ था क्या? जी नहीं, मैं वैसे तो काफ़ी, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, बट कोई वो तो दूसरे लोग ही बताएंगे, बट अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, किससे मिलना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, वो उसकी समझ नहीं थी मेरे को। आर्टिस्ट मिजाज के थे शुरू से, तो अपने ही अंदर घूमते रहना, अपने ही थॉट्स में रहना, तो ज़्यादा बाहर लोगों से मिलना नहीं, तो ये बहुत नेचुरल था कि मतलब आपको इंडस्ट्री धीरे धीरे भूल जाएगी। आपकी हाइट कितनी है? 6'3" 6'3" हाँ, तो मैं अगर आप ऐसे पीछे जाते हैं, हम लोग हमेशा आर्टिस्ट से थोड़ा उनका करियर के बारे में बात करते हैं, खासतौर से तुलना करते हुए, तो आपको मतलब अगर ऐसे गिने कि ये चूक हुई, हमने सही लोगों से मुलाकात नहीं की, या कुछ फिल्मों के लिए इनकार कर दिया, कुछ फिल्में थी जिसमें आप कास्ट हो गए थे बाद में किसी वजह से? जी हाँ, बहुत बहुत सारी फिल्में थी जो मैंने गलत मना करी, बहुत सारी फिल्मों से मैंने गलत पैसे मांग लिए, यार किसी और कारण से मुझको नहीं लिया गया आगे, बट टॉप 3 फिल्मों को चुनते हैं, या आप अगर नाम लेना चाहें तो, डायरेक्टर का नाम लेना चाहें तो, बहुत मतलब अच्छा किस्सा है कि किस किस ने आपको अप्रोच किया था और आपने किस वजह से बात नहीं बनी। अब तो मैं भूल गया ये सब बातें, 20 साल हो गए इस बात को,
तो फिल्में भी भूल गया मैं, बट ये कुछ गलतियां भूलना ही बेटर होता है। तो उस बारे में बात नहीं करेंगे जी, मुझे याद ही नहीं कुछ। हाँ। मैं वो भुला चुका हूँ, वो दुनिया भुला चुका हूँ। इस समय हिमांशु आपके परिवार में कौन कौन है, आप किसके साथ रहते हैं, घर पे कौन कौन रहता है? मेरी मदर हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी बेटी हैं, और एक बेचारा मैं हूँ, तीन औरतों के बीच में। हाँ। तो आप समझ सकते हैं। और बस। और आपकी डैडी बिजनेस? नहीं, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, पायलट थे। बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया 1988 में एक एयर क्रैश में, बट वो तो हमारे साथ रहते ही, हमारे दिल में हैं हमेशा के लिए। मतलब एक इंडस्ट्री कैसे चलती है उसकी झलकी मुझे तुम्बिन के बाद एक मिली, जो जो थोड़ी मेरे लिए यू नो डिस्टर्बिंग थी। मुझको एक बहुत बड़े मैगजीन पब्लिकेशन, तब मैगजीन बहुत बड़ी होती थी, मैगजीन पब्लिकेशन से कॉल आया कि आप हम चाहेंगे कि आप एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर करें, क्योंकि उससे अच्छी मतलब अच्छी स्टोरी बनती है, अच्छी फोटोग्राफ्स बनेंगे। तो मैंने कहा ये ऐसा भी होता है क्या, मतलब आप ये ऐसी बात बनती है क्या? मैं तो मतलब तस्से मस रह गया कि इज़ इट पॉसिबल ऑल्सो। तो बोले हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप बस हाँ कीजिए, हम एक दो कैंडिडेट से बात कर लेंगे और आपकी बराबर की वो भी फेमस होगी और अच्छा रहेगा, आपको भी पब्लिसिटी मिलेगी, उसको भी पब्लिसिटी मिलेगी। और देखो ये मतलब स्टार तो ऐसे ही बनते हैं, आप बिना पब्लिसिटी के स्टार कैसे बनोगे आप? तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो बोले आप चिंता मत कीजिए, आपको हम गोवा में एक कमरा दिलवा देंगे, आप जाइए और यहाँ से हम एक्सपोजे कर देंगे। तो मैं तो हंसता रह गया, क्योंकि मैं शुरू से जानता था मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट मिक्स वर्क एंड पर्सनल, यू नो आई जस्ट कांट, वो मेरे में एक ट्रिगर है। तो मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, बट उस समय मुझे लगा कि शायद अपनी दाल यहाँ नहीं गलेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें करना, थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ भी बीच में डाल देना, वो सबकी बस की बात नहीं होती है, बट मैं जानता हूँ ऐसा होता है, विच इज़ फाइन। ये थोड़ा सा जो एयरक्राफ्ट पुलिस आर्मी वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनकी परवरिश में नहीं होता है ये कि कुछ इस तरह का ढोंग करें। हाँ। जो रियल में नहीं है। हाँ। है ना, बिल्कुल नहीं होता। हाँ। बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़े करेक्ट ही होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखते हैं वो। कभी किसी तरह की कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा आपको, मेल फीमेल दोनों तरह की कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होती रही, हम सुनते रहे हैं? वो तो आई थिंक हर एक्टर को हर मोड़ पे करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ गंदा या गलत होता है, वो बहुत नेचुरल इंस्टिंक्टिव होता है कि आपके ऊपर, मतलब कोई डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है, बट वो आपकी इच्छा है कि आप अपने आप को कितना कितना देना चाहते हैं। सो आई थिंक ये सवाल कास्टिंग काउच है कि नहीं, ये बहुत अजीब सवाल है। आपको सामना करना पड़ा है? और हाँ, उसने भी आपको दूर किया हो इंडस्ट्री से धीरे धीरे, मतलब? नहीं, बट आई थिंक उससे मुझे लगता है जो एक्टर्स कास्टिंग काउच के शिकार हो जाते हैं उनको तो उनका फ्यूचर नहीं होता है, बिकॉज वो फिर अनफॉर्चुनेटली जनरली इस्तेमाल होके ही छोड़ दिए जाते हैं। सो विच इज़ अ वेरी सैड फैक्ट, बट कास्टिंग काउच है, बट मतलब वो हमेशा रहेगा। आपको अप्रोच किया गया था कभी? देखिए डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं करता, सब इज्जत वाले लोग हैं, इज्जत से अप्रोच किस तरह की भाषा, और इनडायरेक्टली क्या होता है अप्रोच? नहीं वो हम लोग सब, देखिए कोई भी इसमें दल्लागिरी वाली बातें नहीं होती हैं, मतलब कोई अगर आपको लगे कि कोई एकदम फिल्मी सीन हो कि आप कोई बोलता है और कुछ होता है, वो नहीं होता है। सब दोस्त ही होते हैं और बहुत अंडरस्टूड सी बात होती है कि आप जितना करीब जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सो दोस्तों के बीच में ही होता है सब कुछ, सो दे आर फ्रेंड्स आई एम स्टिल इन टच विद एंड दे आर पीपल विच इज़ आई एम नॉट सेइंग कि गलत है सही है। अब जैसे कुछ बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो
जो चाहते हैं कि अपने लीडिंग मैन के साथ, हीरो के साथ मोहब्बत करें, उनके साथ वो इश्क लड़ाएं, वो उनका एक उनकी नीड है. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, बट एक नेचुरल नीड होती है टू लव देयर सब्जेक्ट. एंड आई फील ठीक है, अब फिर सब्जेक्ट के ऊपर है, अगर वो अब चाहते हैं कि वो आपका म्यूज बनना चाहे ना बनना चाहे, वो सब्जेक्ट के ऊपर है. आपने इतना निकाल लिया, मैं भागू इसके. शुरू के 5 साल बीते नहीं थे और इतने बड़े फिल्म मेकर दत्ता साहब, जेपी दत्ता साहब, अपने अपनी सबसे बड़ी फिल्म में आपको कास्ट किया. कुछ याद आता है कि और क्या एक्साइटमेंट था कि मैं एलओसी में हूँ? क्योंकि उस समय एलओसी की जब कास्टिंग हो रही थी, एक अलग तरह का माहौल था, जेपी दत्ता का नाम था. जी हाँ, बॉर्डर के बाद वो पहली फिल्म, अगली फिल्म बना रहे थे जो वॉर की वो थी. मैं खुद एक फौजी बच्चा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझको एक यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी. एक अलग गर्व था मेरे में. मुझे याद है मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया था, बोला कि मैं, चलिए मैं पूरा फौज में नहीं घुस पाया मगर कम से कम रोल तो कर ही रहा हूँ. सो और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारी प्रोडक्शन. और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जेपी साहब खुद इतने टैलेंटेड थे कि टू वर्क विद हिम, टू बी ऑन द सेट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक दैट वाज स्टूड आउट मोस्ट फॉर मी. मतलब वो जो लाइनें लिखते थे, जैसे शॉर्ट ब्रेक डाउन करते थे, मतलब अनदर लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग. ये वो दौर भी था जब भट्ट साहब नए लोगों के साथ काम करते थे, रामू के साथ तो आपने काम कर ही लिया था, अब भट्ट साहब के यहाँ आपकी एंट्री हो गई रोग से. जी हाँ, कैसे, कहाँ, क्या हुआ था? मतलब आई थिंक वो रोल पहले एक पाकिस्तानी सिंगर करने वाले थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनको वीज़ा नहीं मिला तो लास्ट मिनट में मुझको बुलाया गया और मतलब पूजा जी से मीटिंग हुई और सब कुछ फाइनल हुआ. और सबसे बड़ी बात यह कि उस फिल्म में इरफान खान एक रोल प्ले कर रहे थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज इरफान भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था बहुत शुरू से. और दो चार बातें मुझे याद हैं कि एक सीन था कि इरफान मुझे थप्पड़ मारता है मेरे कैरेक्टर को, तो मैंने रिहर्सल में बोला भट्ट साहब को, भट्ट साहब की उनको बोलिए, और बहुत ही पावरफुल रोल था, बहुत ही इंटेंस रोल था, कि उनको बोलिए कि मुझे थप्पड़ सही में मार दे, उससे हम दोनों सीन में एक पल में घुस जाएंगे. तो इरफान तब मुड़ के बोले, भाई बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ऐसा बोलते हैं. मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई डर नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगा. वो पुरानी बातें, हम लोग सब एक रोल अदा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ हैपनिंग. एंड पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद भट्ट साहब बैठे मेरे साथ, मेरे पीठ पे हाथ फहराया और बोला कि यू नो यू आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी फाइन मैन एंड दैट इटसेल्फ विल बी योर ऑब्स्टिकल इन द इंडस्ट्री, बट डोंट वरी, यू विल फाइनली मेक इट. सो आई होप आई फाइनली मेक इट. ख्वाहिश की पूरी लाइमलाइट मल्लिका शेरावत ने ले गई. हाँ जी, और अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर लिया, मतलब आपका इस्तेमाल हो गया पूरी तरीके से. नहीं, मैं मल्लिका को बहुत आप कहते नहीं थे, पूरा फायदा उठा लिया तुमने मेरा. नहीं देखिए, उसमें मल्लिका उस समय में उसने एज अ हीरोइन, एज एन एक्ट्रेस जो किया तब कोई करता नहीं था, तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि इतने किसिंग सीन्स करना और इंडस्ट्री में घुसना. तब तो ये होता था कि अगर ज़्यादा ये सब करेगी तो कहाँ, एज एन एक्ट्रेस ख़त्म हो जाओगे आप. मैं उनकी दाद देता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ डन वेल, शी गॉट गुड ब्रेक्स आफ्टर दैट, शी हैड गुड हिट्स आफ्टर दैट. और बस उसकी, मैं अपनी जर्नी में हूँ और वो अपनी जर्नी में. टच में आप मल्लिका दोस्त तो हो गई? कभी कभी, ज़्यादा नहीं. ओके. कई बार हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ना ज़्यादा सोचना, ज़्यादा समझदार इंसान जब होता है तो सवाल करता है, और शायद इंडस्ट्री सवाल पसंद नहीं करती, कई बार ऐसा मुझे लगता है. और वो जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए शायद, वो कभी. आपको ऐसा नहीं लगता? जी हाँ बिल्कुल, जो हाँ. जैसे भट्ट साहब ने बोला, योर एजुकेशन इज़ योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल. सो ये होता है कि फिर आप इसलिए मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना, बिकॉज आई रियलाइज कि मेरी सेंसिबिलिटीज एक्चुअली उसमें है.
यू नो इट इज़ नॉट अबाउट ज़्यादा सोच या ज़्यादा विचार करने वाले आदमी एक्टर नहीं बनते हैं, बट वो आपको अपनी जगह खुद ढूंढनी पड़ती है. एंड आई थिंक वही मैं करना चाहता था और होपफुली अभी चित्रकूट के साथ वही किया है. रैप अप करें. बीते 20 सालों में इंडस्ट्री किस तरीके से बदली है और काम करने का तरीका भी बदला है, और आप पूरे समय इंडस्ट्री में रही हैं, बीच बीच में आपने फिल्में भी की हैं, इस पर आपकी बात. बीते पल बहुत सुनहरे बहते बीते लाइफ में बहुत कुछ देखा, स्टारडम देखी, बहुत दुनिया घूमे, बीच में मैंने बहुत दूसरे बिजनेस भी रन किए. मैं रुका नहीं, मैं बहता रहा, और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लकीली मैं इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में आया, 21 साल का था, और बहुत जल्दी मैंने सक्सेस देख ली. तो सक्सेस का ज़्यादा मायने नहीं होता, ये मैं समझ गया था. वो एक यू नो फुग्गे की तरह है कि बढ़ने को तो बहुत बढ़िया और कम होने को तो कुछ ना हो. सो इट डजंट इफेक्ट मी. आई हैव सीन सक्सेस, आई हैव सीन द हाई, मतलब सो आई एम इन द सेकंड फेज आई थिंक, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. अनुभव ने भी अपनी शुरुआत आप लोगों के साथ एक तरीके से की थी, और बीच में थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन इस समय अनुभव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप टच में हैं? कभी कभी बातचीत होती है, ज़्यादा नहीं, और मैं चाहूँगा कि वो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है फिल्म बनाने को, बीच में टच में रहे जबकि बहुत बिजी थे, और एक एक हमदिली तो हम सब में है ही. कास्ट नहीं किया आपको, और आप उनकी फिल्म में दोबारा, मतलब तो आप नहीं, मुझे लगता है कि यू नो एक डायरेक्टर के लिए एक एक्टर को फिर से कास्ट करना एक हिट फिल्म में से वो एक अलग चीज़ होती है, बिकॉज वो आपको उन्होंने आपके साथ वो एक कैरेक्टर कर लिया है और आपने उनके साथ, तो अब क्या नया कर सकते हैं, वो नया ढूंढने में बहुत समय लग जाता कई बार. आप प्रियांशु बापट तीनों टच में रहते हैं, कभी बात होती है? कभी कभी, ज़्यादा नहीं, वो सब बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में. कई साल तक टच में रहे बट अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं. चलिए, इस समय जो नए जनरेशन में एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनमें कौन है जिसका काम आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, मेल और फीमेल दोनों? ये सवाल का जवाब मैं अभी सोच नहीं पाऊँगा. फीमेल में अगर नो, आई एक्चुअली मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, स्पेशली जब बना रहा हूँ अपनी फिल्म तो ज़्यादा फिल्में देखता हूँ. शायद अभी इसके बाद कुछ फिल्में देखने का दौर शुरू होगा, बट वो मुझे मालूम नहीं. और निर्देशक अगर प्रभावित करता हो आपको, क्योंकि आप निर्देशन में उतरे हैं, तो आपने लोगों को उस तरीके से भी देखा हो? एक साउथ इंडियन फिल्म मेकर है, थियागराज कुमाराराजन, मैं उनका बहुत बड़ा फैन. Okay. और कभी अगर किस्मत में उनकी जैसी फिल्में बना पाया तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत सोचूंगा. आप जिस तरह की फिल्म के साथ बॉलीवुड में एक डायरेक्टर के तौर पर एंट्री कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बॉलीवुड किस तरह की फिल्मों को, किस तरह की कमर्शियल या किस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, और क्या ज़रूरी है एक डायरेक्टर की, किस तरह की फिल्म ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता आपको, और है क्या? देखिए, मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में रह चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री के रूल्स के साथ खेलोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे. आपको इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस, उनके रूल्स को तोड़ना ही पड़ेगा. ओके. और मेरा हमेशा वही मकसद रहता है कि मैं वो रूल्स तोड़ता रहूँ. बीते दिनों में रूल तोड़ने वाला कोई एक्टर आपको जो दिमाग में है कि इसने रूल तोड़ा है, और फिलहाल मैं सोच नहीं सकता हूँ. कंगना आपको कैसी लगती है? जाते आते वो सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके अपने दर्शकों को वो अपने दिल की बात आपको कहनी है? मैं ये कहूँगा कि आप मेरी फिल्म ज़रूर देखिए, ट्रेलर देखिए पहले YouTube पे, और उसके बाद अच्छा लगे तो फिल्म आके देखिए, मगर ज़रूर एक चांस दीजिए. कुछ नया करने की कोशिश है, और जब तक सोसाइटी और दर्शक कुछ नया देखने की लालसा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नई कहानियाँ, नई बातें कैसे बाहर आएंगी. तो ये मौका दीजिए और ज़रूर जाके फिल्म देखिए. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी अपनी पहली फिल्म के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.